मंडलायुक्त सभागार में गिडा में स्थित बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों के मालिकों व बैंक अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बैठक कर बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान वहां तमाम समस्याएं जिनसे इन औद्योगिक इकाइयों को बंद किया गया है उनके निस्तारण के संबंध में मंडलायुक्त से संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंडल के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के मालिक व बड़ी संख्या में बैंक के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने अभी ओटीएस में इन्हें ऑफर किया है 53 लाख। ठीक है, और आपका क्या कहना है? ये सर, मैं उनके बगल में मेरी उम्मीद है क्योंकि थोड़ा दिमाग से उतर रहे हैं, तो मैं 45 लाख जो है सर, हम लोग का जो जाए ड्रॉपलेट, इसके बाद जब दूसरे के आनी हो तो आप अपना ढक लें। और आप यूनिट चलाना चाहते हैं और ऊपर जाना चाहिए नाक के ऊपर तक आपका। हम 3 से 4 साल तक सुचारू रूप से चल रहे। मुझे अपने काम में प्रोग्रेस लाना था, उसके लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। उस दौरान मेरी बात इंडियन बैंक से ही चल रही थी। कुछ इमेज था दिया गया और कुछ चेक बेल्डिंग मशीन का कुछ अधूरा काम पूरा किया गया। सरकार की तरफ सब्सिडी नहीं दिया। इसलिए